गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम राजेंद्र चौहान। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग द चैप्टर नेम इज हाउ मेनी टाइम्स सब्जेक्ट मैथ क्लास थर्ड चैप्टर 9। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इससे जियो रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1, 2, 3 वो सॉल्व करवाई थी। आज मैं इसका जो एक्सरसाइज 4 है वो आपको क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। और डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको क्या है, घर पे ही अपने जो वर्क बुक है मैथ्स की उस पर क्या करना है, फिलअप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आपके पास ए बी सी डी ई में क्या है, पैटर्न दे रखा है और आपने क्या है, आपके पास ब्लैंक स्पेस दे रखा है, उस पर क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है या फिलअप करना है। जैसे ए है, पहला है 7, फिर क्या है 14, फिर क्या है 21। तो देखिए, ये आप देखिए 7 के साथ अगर 7 ऐड करोगे, 7 के साथ 7 ऐड करोगे तो कितना हो रहा, 14। फिर देखिए अब 14 है, 14 के साथ क्या ऐड करना है आपने, फिर अगर प्लस 7 करोगे तो देखिए क्या आ रहा है, 21। इसी प्रकार आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है ये पैटर्न, या आप इसको टेबल बोल सकते हो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 क्या आता है 28। या 21 के साथ 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 28। और फिर उसके आफ्टर देखिए 28 आ गया तो 7 5 35। या 28 के साथ अगर 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 35। 7 6 42। तो यहां पे जाएगा 42। या 35 के साथ अगर 7 ऐड करोगे तो कितना आ रहा, 42। और 42 के साथ अगर 7 ऐड करोगे तो कितना आता है, 49। या 7 7 49। इसी प्रकार बी वाला देखिए, ये लिखा है 11, फिर है 22, फिर क्या है 33। ये एक क्या है, पैटर्न है, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो 11 1 11 11 2 22 11 3 33। या आप इसके साथ क्या है, 11 11 प्लस करते जाइए, तो 11 11 4 क्या आएगा, 44। या 33 के साथ 11 ऐड करते कितना आएगा, 44। 11 5 या 55। या 44 के साथ 11 प्लस करें तो कितना आएगा, 55। और 11 6 या 66। या 55 के साथ 11 ऐड करो तो 66। 11 7 या 77। या 66 के साथ 11 ऐड करो तो कितना आएगा, 77। इसी प्रकार सी है, यह है 13 26 39। 13 के साथ 13 प्लस करो तो 26। 26 के बाद 26 के साथ क्या है, 13 ऐड करो तो क्या आएगा, 39। या यह टेबल बोलिए आप, 13 13 1 13 13 2 26 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 जा क्या आएगा, 78। देखिए 13 1 13 32 26 13 3 39 34 52 35 65 36 79 13 7 91। या आप इनको ऐड करते जाएंगे साथ, 39 के साथ 13 ऐड करें तो 52 के साथ 13 ऐड करें तो 65 के साथ अगर 13 ऐड करो तो क्या आएगा, 78 के साथ 13 प्लस करें तो 91। इसी प्रकार है फिर डी है 20 40 60। 20 के साथ 28 करें तो कितना आएगा, 40 के साथ 28 करें तो 60 के साथ 28 करें तो क्या आएगा, 80। अब 80 के साथ 28 करें तो 100 के साथ 28 करें तो 100
ट्वेंटी, 120 के साथ 28 करें तो 140, या टेबल भी हो सकते हो 20 हो जाए 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 126 जा 120, 27 जा 140। इसी प्रकार ई है, यह है 12, 24, 36। 12 के साथ 12 ऐड करोगे तो 24, 24 के साथ 12 ऐड करे तो 36, 36 के साथ 12 ऐड करो तो कितना आएगा 48, 48 के साथ 12 ऐड करो तो 60। अब 60 के साथ 12 ऐड करो, प्लस करते हैं तो 272। अब देखिए, अब 72 के साथ क्या ऐड करना है, फिर 12 ऐड करिए तो 224718 कितना आ गया आपका 84। या आप टेबल बोल सकते हो 12 12 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 72 12 7 84। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जो ये पैटर्न है वो क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। और मुझे आशा है कि जो ये पैटर्न है ये आपके समझ में आया होगा, और आपको घर में क्या है, मैथ्स के वर्कबुक पे यही कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न वाला क्या है, फिल अप करना है मैथ्स के वर्कबुक पे। थैंक यू क्लासेस।